हेलो एवरीवन, योगा तक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम करेंगे हलासना। हलासना यानी कि प्लो पोज। हलासना सर्वांग आसना का एक काउंटर पोज है। थायराइड ग्लैंड्स तो एक्टिव होते ही हैं ये करने से, पर एट द सेम टाइम ये आपके नेक और शोल्डर्स की मसल्स को काफ़ी इंगेज करता है, स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। आपकी स्पाइन इससे काफ़ी इलॉन्गेट होती है, क्योंकि स्पाइन में काफ़ी बड़ा एक स्ट्रेच लाता है। ये साइनसाइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपके रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स काफ़ी ओपन अप होते हैं। इट्स गुड फॉर हेडेक, इट्स गुड फॉर पीपल विद Insomnia, it's good for people with stress and hypertension. और दोनों ही बॉडी और माइंड के लिए एक ये परफेक्ट पॉस्चर है, क्योंकि ये दोनों को काफ़ी ओपन अप करता है। तो चलिए देखते हैं कि हलासना में कैसे आना है। हलासना में आने के लिए आप अपने बैक पर इस तरह से लेट जाएं, अपने हैंड्स को साइड्स में रखें और एक बार फिर से हम अपने लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे इन्वर्टेड पोस्चर में, यानी कि विपरीत करनी। इस तरह से अपने हिप बोन्स को, अपने बैक को अपने हैंड से सपोर्ट देते हुए और अपनी कोहनियों को हमने ज़मीन पर स्ट्रांगली ऐसे प्लेस करके रखना है, टिका के रखना है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से अर्ध हलासना यानी कि हाफ हलासना भी कर सकते हैं। एंड लेटर व्हेन यू हैव अ वेरी गुड कोर स्ट्रेंथ, then you can straight away get into the full posture. So your body will itself tell you that when you're ready to try the whole posture. फिर धीरे धीरे आप अपने legs को इस तरह से अपने head के पीछे की तरफ drop करेंगे और अपने toes को outward stretch रहेंगे इस तरह से। और अगर आप इस तरह से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बैक को एट ऑल टाइम्स सपोर्टेड रखें अपने हैंड से। एंड व्हेन यू फील यू आर कंफर्टेबल इन द पोस्चर, देन टेक योर हैंड्स बैक लाइक दिस एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स दिस वे। कीप ब्रीदिंग। स्टे फॉर अराउंड 50-60 सेकेंड इन द पोस्चर और ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना टाइम इस पोस्चर में आप बढ़ाएं। अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखें, नीज को स्ट्रेच करें, टोज को आउटवर्ड स्ट्रेच करें, स्पाइन में एक वो जो कर्व है, एक कंप्रेशन है, एक इलोंगेशन, उसको महसूस करें अपनी ब्रीदिंग के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल। पोस्चर में बाहर आने के लिए आप अपने नीज को अपने फेस के पास ड्रॉप कर सकते हैं, अपने बैक को सपोर्ट करें, फिर नीज को बेंड करते हुए अपने हिप बोन्स को इस तरह से धीरे 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 नीचे लाएं एंड पुट योर लेग स्ट्रेट एंड हैंड स्ट्रेट और फिर धीरे धीरे ऊपर आएं। तो ये था हलासना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो योगा तक को लाइक करें और हमें अपना फीडबैक दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।